वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। मैं ज्योति तिवारी आज आपको पढ़ा रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो यह ह्यूमन बॉडी में पीछे की तरफ पाई जाती है और इसे बैकबोन भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बिगिन एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम एट द एरिया कॉल्ड द मेड्यूला ओब्लोंगेटा एंड एंड्स इन द लोअर बैक as it tapers to form a cone called conus medullaris। ये जो है यह ब्रेन स्टेम से उसके नीचे से स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, जहां पर मेड्यूला ओब्लोंगेटा पाया जाता है ब्रेन में, उसी के पास से यह स्टार्ट होती है, नीचे तक जाती है हिप रीजन तक, और यह कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और जिसे हम बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। देखिए यह लॉन्ग है और साथ ही साथ में यह थिन है, पतली सी बनी हुई है, यह ट्यूबुलर ट्यूब की तरह दिख रही है, पतली सी किसकी बनी हुई है, नर्वस टिश्यू की बनी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड और इनक्लोज्ड बाय स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्री। स्पाइनल कॉर्ड जो है वह ढकी हुई है छोटी छोटी बोन से, जिसे बोलते हैं वर्टेब्री। द स्पाइन हैज 34 स्टैक्ड वर्टेब्री दैट फॉर्म स्पाइनल कैनल इज अ टनल दैट हाउसेज द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है टोटल 34 है, कितनी है ये 34 स्मॉल वर्टेब्री बोन्स पाई जाती हैं। इसके बीच में एक छोटा सा कैनल लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए गुफा लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम एक एनालॉजी से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो बोन्स हैं वर्टेब्री बोन, ये मोती की तरह है, मोतियों की तरह है, ढेर सारी मोती जिसके अंदर से धागे के समान गुजर रही है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो मोती की माला का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें कितनी मोतियां हैं, 34 हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड स्पाइनल कैनल प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। यहाँ पर जो है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि किसी भी चोट लगने से रक्षा करता है स्पाइनल कॉर्ड की। जब भी कोई चोट लगेगी तो वह किसके ऊपर लगेगी, पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यह एक तरल पदार्थ होता है थोड़ा सा, जिस पर चोट लगेगी तो थप थप किस पे पड़ेगा, इस फ्लूइड पे पड़ेगा, ना कि वह चोट स्पाइनल कॉर्ड पर लगेगी। स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर। स्पाइनल कॉर्ड जो है वह ढका हुआ है मेनिंजेस लेयर से। मेनिंजेस जो है 3 लेयर का बना हुआ है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर। पिया मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में ही भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वर्टेब्री आर इंटरकनेक्टेड थ्रू इंटरवर्टेब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये जो वर्टेब्री जो बोन्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं फाइब्रोकार्टिलेज के बने टिश्यू से, जिसे बोलते हैं हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है सारी बोन्स को एक दूसरे से जोड़े रखा, देखिए सबके बीच में पाया जा रहा है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क। न्यूक्लियस पल्पोसस इज द जेल लाइक मेनली मेड अप ऑफ वाटर सेंटर ऑफ द डिस्क डिजाइन टू एब्सॉर्ब शॉक एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि किसकी तरह है, जेल की तरह है, किसका बना है, वाटर का बना हुआ है। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये बोन्स के बीच में ल्यूब्रिकेशन देता है, ताकि जब हम कभी झुके या सीधे हो तो बोन्स हमारी क्या हो जाए, आसानी से झुकने में मदद करे और सीधे होने में मदद करे, चिकनाई देता है। जिससे मशीन में तेल होता है ना, तो मशीन चलने के लिए तेल की सहायता से उसमें चिकनाई मिलती है और तो मशीन चलती है, उसी तरह से यह ल्यूब्रिकेशन देता है। और अगर कोई चोट लगे, कोई झटका लगे, तो वह किसके ऊपर जाएगा, वह न्यूक्लियस पल्पोसस के ऊपर जाएगा और
हमारी बोन्स जो है प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए ये एक मॉडल बना हुआ है जिसमें ये बोन्स हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क से। इनमें से एक बोन अगर निकाल कर देखूं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसे हम देखते हैं। इसमें ये है स्पाइनस प्रोसेस, ये पीछे की तरफ जो निकला हुआ पोर्शन है ना, इसे हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। सारी बोन्स में पीछे की तरफ ये निकला हुआ हिस्सा नजर आएगा और ये मेन बॉडी कहलाता है, ये मेन बॉडी कहलाता है वर्टेब्रल बोन का। बीच का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं वर्टेब्रल फोरामन, जो कि क्या बना रहा है, कैनल बना रहा है। इसी में से होकर गुजर रही है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसी में से होकर गुजर रही है। फेसेट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये यहां से समझिए ये जॉइंट करने में मदद कर रहा है, मतलब ये फेसेट जो है ऊपर वाली फेसेट से जॉइंट में मदद करेगा। फेसेट फॉर हेड ऑफ रिब, ये जो है यहां से रिब्स बोन आकर जुड़ेंगी। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है यहां से नर्व निकलती है और बॉडी में सप्लाई होती है वो सारी नर्व, नर्व रूट्स। बीच में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये किस किस चीजों की बनी हुई है, ये बनी हुई है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर इज अ बटरफ्लाई शेप, इज मेनली मेड अप ऑफ न्यूरोनल सेल एंड इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर जो है देखिए बटरफ्लाई शेप का नजर आ रहा है और किसका बना हुआ है, ये न्यूरोनल सेल, न्यूरोन सेल का बना हुआ है ये, और सेंटर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। देखिए सेंटर में पाया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम इस तरह से काट कर देखें तब हमें यह स्ट्रक्चर नजर आता है स्पाइनल कॉर्ड का। व्हाइट मैटर सराउंड्स द ग्रे मैटर एंड इज मेनली मेड ऑफ एक्सोन्स, इट कनेक्ट ब्रेन टू बॉडी एंड वाइस वर्सा। व्हाइट मैटर जो है वह ग्रे मैटर को घेरे हुए है और व्हाइट मैटर जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, एक्सोन का बना हुआ है। ये जो है ये ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है और बॉडी को ब्रेन से जोड़ता है। इसमें से ढेर सारी नर्व निकल रही हैं, देखिए ऊपर वाली जो नर्व है वो कहलाती है डॉर्सल नर्व रूट एंड जो नीचे वाली है वो कहलाती है वेंट्रल नर्व रूट। ये जो नर्व है ये जाकर बॉडी में सप्लाई हो रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है सिग्नलिंग के लिए। स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल, इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स का सप्लाई भी है, ये बीच में से देखिए इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई भी है स्पाइनल कॉर्ड पर। CSF जिसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, किसको घेरे हुए है, स्पाइनल कॉर्ड को घेरे हुए है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये न्यूट्रिशन भी देती है स्पाइनल कॉर्ड को और प्रोटेक्शन भी देती है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, पिया मैटर एरेक्नॉइड मैटर ड्यूरा मैटर ये घेरे हुए है। पिया मैटर एरेक्नॉइड मैटर के बीच में भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, ग्लूकोज प्रोटीन इन सबका सप्लाई करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो कि वर्टेब्री बोन के बीच में पाई जाती है। ये देखिए ये क्या है, वर्टेब्री बोन है उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व निकल रही है स्पाइनल नर्व। टाइप्स ऑफ वर्टेब्री, द वर्टेब्रल कॉलम इज मेड ऑफ 34 vertebrae bones. These vertebrae are of 5 types. Vertebral column जो है पांच प्रकार की बोन से बना हुआ है और ये जो है 34 है नंबर में, टोटल 34 बोन्स है। सर्वाइकल वर्टेब्री जो है टोटल कितनी है, 7 है, C1 से लेकर C7 तक। थोरेसिक वर्टेब्री जो है 12 है, T1 से लेकर T12 तक। लंबर वर्टेब्री जो है वह 5 है, L1 से लेकर L5 तक। सेक्ट्रम जो है वो 5 बोन्स की बनी हुई है, फ्यूज्ड है, और कोसिक्स भी है वह भी 5 बोन्स की है, फ्यूज्ड है। फ्यूज मतलब एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बाकी की बोन सब अलग अलग हैं लेकिन
सेक्रम और कोसिक्स की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं पूरी तरह से। सर्वाइकल वर्टेब्री, सर्वाइकल वर्टेब्री आर प्रेजेंट इन नेक, ये नेक रीजन में पाई जाती है। देखिए C1 इज द एटलस, जो पहली बोन है सर्वाइकल वर्टेब्री की उसे हम बोलते हैं एटलस। ओनली वर्टेब्री विदाउट वर्टेब्रल बॉडी कनेक्ट ऑसिपिटल बोन टू सपोर्ट बेस ऑफ स्कल, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये सिर्फ एक ऐसी बोन है जिसमें वर्टेब्रल बॉडी पार्ट नहीं पाया जाता है, ये जो है स्कल को जोड़े रखती है ऑसिपिटल बोन से, और ये हेड को मूवमेंट में सहायता करती आगे की तरफ और पीछे की तरफ, इसे एटलस कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। C2 इज द एक्सिस, जो इसके बाद की जो बोन है C2 उसे बोलते हैं हम एक्सिस। फिट इन टू एटलस रिंग हेल्प इन हेड रोटेशन, एटलस बोन का जो रिंग है कैनल उसमें यह फिट होती है, उसके अंदर ऐसी धसी हुई होती है ये C2 एक्सिस बोन, और हेड को हेल्प करती है रोटेशन में, चारों तरफ मूव जो करता है हेड वो इसी बोन के कारण करता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C7 कॉल्ड द यूनिक वर्टेब्री, C7 को हम यूनिक वर्टेब्री बोलते हैं, हैव यूनिक स्पाइनस प्रोसेस, क्योंकि इसका जो पीछे का स्पाइनस प्रोसेस है वह कुछ हटके और सबसे अलग पाया जाता है। थोरेसिक वर्टेब्री, थोरेसिक वर्टेब्री जो है आर ग्रुप ऑफ 12 स्मॉल बोन्स लोकेटेड इन थोरेक्स पोस्टेरियर एंड मीडियल ऑफ रिब्स। ये जो है 12 स्मॉल बोन्स का ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है इंटरवर्टेब्रल डिस्क की सहायता से, थोरेक्स रीजन में पाई जाती है रिब के पीछे। दीज वर्टेब्री सपोर्ट द रिब्स एंड हैव ओवरलैपिंग स्पाइनस प्रोसेस, ये जो वर्टेब्री बोन्स हैं ये रिब को सपोर्ट करती है, इनसे आकर रिब जुड़ती है और इसकी जो स्पाइनस प्रोसेस है वह एक दूसरे के ऊपर है, देखिए ओवरलैप है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लगे रहना ऐसे। T1 वर्टेब्री लुक सिमिलर टू सर्वाइकल वर्टेब्री, जो पहली वर्टेब्री है थोरेक्स की वह सर्वाइकल वर्टेब्री की तरह है क्योंकि उसी के पास पाई जाती है। T12 लुक अलाइक लंबर वर्टेब्री, T12 जो है लंबर वर्टेब्री की तरह है क्योंकि जस्ट उसी के पास पाई जाती है। लंबर वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री आर मेड ऑफ 5 लार्ज बोन्स लोकेटेड लोअर बैक बिलो थोरेसिक वर्टेब्री। लंबर वर्टेब्री जो है वह 5 बड़ी हड्डियों की बनी हुई है, देखिए 5 है L1 से लेकर L5 तक, कहां पर पाई जाती, लोअर बैक में पाई जाती है पीछे की तरफ पीठ साइड, बिलो थोरेसिक वर्टेब्री, थोरेसिक वर्टेब्री के नीचे पाई जाती है। इन अदर वर्ड्स बिटवीन रिब केज एंड पेल्विस, दूसरे शब्दों में बोले तो रिब केज और पेल्विस के बीच में, मतलब कमर और ये थोरेक्स के बीच में पाई जाती है। लंबर वर्टेब्री आर लार्ज कंपैरेटिवली ऑफ थोरेसिक एंड सर्वाइकल वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री जो होती है वह बड़ी होती है थोरेसिक और सर्वाइकल वर्टेब्री के कंपैरिजन में। इट्स मेन फंक्शन इज टू बियर वेट ऑफ बॉडी, आल्सो हेल्प इन लिफ्टिंग एंड कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। इसका मेन फंक्शन क्या है कि यह बॉडी वेट को सहती है, जब हम कभी कोई वजन उठाते हैं झुककर तो हमारा जो वजन है वह लंबर वर्टेब्री के ऊपर ज्यादातर पाया जाता है। सैक्रम एंड कोसिक्स, सैक्रम इज मेड ऑफ फ्यूज्ड पाइप बोन्स लोकेटेड बिलो लंबर बोन एंड बिटवीन इलियक हिप बोन फॉर बैक ऑफ पेल्विस। सैक्रम जो है देखिए यह 5 बोन का बना हुआ है जो कि फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़ चुकी है, कहां पर है इलियम हिप बोन के बीच में पाया जा रहा है ये फॉर बैक ऑफ पेल्विस, पेल्विस के बैक के लिए। सैक्रम सपोर्ट लोअर बैक एंड हिप्स, सैक्रम जॉइंट आर वेट बियरिंग एंड हेल्प इन वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। सैक्रम बोन जो है लोअर बैक हिप के पास पाई जाती है ये, जहां पर लेग के जॉइंट्स होंगे देखिए नीचे की तरफ, और ये वेट बियरिंग होती है मतलब वजन को सहने वाली, कब सहती है जब हम चलते हैं या फिर हम सीधे खड़े हैं तो सैक्रम वर्टेब्री बोन जो है ये बॉडी के वेट को सहती है। कोसिक्स इज ऑल्सो मेड ऑफ
fused five bones. It is also called tailbone, is located below sacrum. Coccyx जो है सेक्रम के नीचे पाई जाती है. ये भी पांच हड्डियों की बनी है जो कि एक दूसरे से फ्यूज हो चुकी है, जुड़ चुकी है. इसे टेल बोन कहा जाता है. और कहां पर पाई जा रही है? सेक्रम के नीचे पाई जा रही है, हिप्स के पास, लास्ट एंड पॉइंट. द कोसिक्स सपोर्ट बॉडी वेट वाइल सिटिंग. कोसिक्स बोन जो है बॉडी वेट को सपोर्ट कब करती है? जब बैठते हैं तो बॉडी का वेट जो है कोसिक्स बोन पर पड़ता है. डिफरेंट एनाटॉमिकल वर्टेब्रल बोन, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर देखिए. जो है सारी वर्टेब्रल बोन है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसमें सर्वाइकल का स्ट्रक्चर, थोरेसिक वर्टेब्री का स्ट्रक्चर और लंबर वर्टेब्री का स्ट्रक्चर दिखाया गया, और साथ ही साथ सैक्रम और कोसिक्स बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया. सब में एक चीज कॉमन देखिए कि वर्टेब्रल फोरामन पाया जा रहा है जिसमें से क्या गुजर रही है, स्पाइनल नर्व गुजर रही है. सभी के पास बॉडी है और सभी के पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है, बस उनके शेप में फर्क है. और सैक्रम और कोसिक्स बोन जो है एक दूसरे से फ्यूज हो चुकी है, इनका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से हटके. फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम का फंक्शन देखा जाए. वर्टेब्रल कॉलम ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम, इसे स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं. इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स, सपोर्ट द ट्रंक, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट एंड सर्व एज साइट ऑफ हीमोपोइसिस. ये जो है मसल्स को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ इससे मसल्स ऐसे जुड़ी हुई होती है. ट्रंक पोर्शन जो हमारा धड़ होता है, नेक के बाद का जो रीजन होता है तक पूरा, उसे क्या करती है? सपोर्ट देती है. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. इससे नर्व रूट निकलती है ढेर सारी जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती है. यहाँ पर जो ये बोन्स है इसमें हीमोपोइसिस होता है. हीमोपोइसिस मतलब यहाँ पर ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन होता है. इट मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी टू स्टैंड एट अपराइट पोस्चर, इनेबल फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट. ये जो है बॉडी का बैलेंस बनाए रखती है, चाहे हम सीधे खड़े हों, चाहे हम डांस करें या कोई भी मूवमेंट करें, फ्लेक्सिबल बनाई रखती है ये बॉडी को. नर्व्स कंटिन्यू विद स्पाइनल कॉर्ड सो दैट हेल्प इन सिग्नलिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. इसमें से जो नर्व निकलती है वह ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल बनाई रखती है. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके कारण बना हुआ है? नर्व के कारण बना हुआ है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.